चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बीजेपी नेता और विधायक अतुल भातखलकर की, जिन्होंने डिंडोशी पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने मांग की है। दरअसल सरकारी अस्पताल की लापरवाही की वजह से 38 वर्षीय संतोष जाधव की मौत हो गई, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश था और इसकी सूचना भाजपा विधायक अतुल भातखलकर को भी दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतुल भातखलकर डिंडोशी पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पर उन्होंने महानगर पालिका SK पाटिल अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। दरअसल अतुल भातखलकर का आरोप है कि जब नायर अस्पताल से बातचीत में उन्हें पता चल गया था कि वहां ICU बेड उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में संतोष जाधव को एम्बुलेंस में वहाँ भेजने की क्या आवश्यकता थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इसी लापरवाही की वजह से संतोष जाधव का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मेरे कांदिवली पूर्व विधानसभा मतदार संघ में मालाड पूर्व में रहने वाला 38 वर्ष का डबे वाला संगठन का सदस्य होने वाला इस प्रकार का संतोष जाधव तरुण, उसकी कोविड से, लेकिन सही में तो सका पाटिल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनके क्रिमिनल निग्लिजेंस के कारण परसों डेथ हुई। और जब नायर हॉस्पिटल के अधिकारियों ने सका पाटिल हॉस्पिटल को ये बताया था कि हमारे पास ICU बेड उपलब्ध नहीं है, उसको हमारे पास मत भेजो, इसके बावजूद भी उन्होंने उसको वहाँ एडमिट करने के लिए एम्बुलेंस से भेज दिया, और जिसके कारण उसकी ऑक्सीजन लेवल 15 के नीचे चली गई और दुर्दैव से उसकी मृत्यु हुई। ये क्रिमिनल निग्लिजेंस है। ये पूरे प्रकरण की एक इंक्वायरी करने की मांग करने के लिए मैं आज डिंडोशी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल की है। उधर सीनियर इंस्पेक्टर कामले जी ने ये बताया है कि हम इसकी जांच करेंगे। मेरे पास नायर हॉस्पिटल और सका पाटिल हॉस्पिटल के डॉक्टरों के बीच में व्हाट्सएप चैट जो हुआ उसका प्रूफ भी मेरे पास उपलब्ध है, जिसमें यह साफ दिखाई पड़ता है कि नायर हॉस्पिटल को जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भी ICU बेड उपलब्ध नहीं है, हमारे पास इसको मत भेजो, ओनली ऑक्सीजन बेड आर अवेलेबल, और इसके लिए क्रिमिनल निग्लिजेंस है और इसके लिए इसकी पूरी जांच करने की मांग मैं आज के इस निवेदन से आपके माध्यम से कर रहा हूँ। राज्य के मुख्यमंत्री के पास भी हम जाएंगे और यदि हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम मुंबई के महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय में भी हम गुहार करेंगे। 90 होता म्हणून ऍडमिट केलेलं आहे, त्याच्या 24 तारखेला मला न फोन करता काही न करता या लोकांनी डायरेक्टली नायरला पाठवलं, मला त्या ॲम्ब्युलन्सवाल्यांनी फोन केला की तुमच्या भावाला आम्ही नेतोय, कोविडचा रिपोर्ट आम्हाला पाठवा तुम्ही व्हॉट्सअपवर। नाही हॉस्पिटलनी काही विचारलं ना कोणी भी, फक्त ॲम्ब्युलन्सवाला जो होता त्याने माझ्याकडनं कोविडचा रिपोर्ट मागितला आणि त्याला काय साईडला नेले गेलेला, त्याच्यामुळे त्याचा म्हणजे ऑक्सिजन लेवल पहिला कमी असताना सुद्धा या लोकांनी मला काहीच आम्हाला कळवलं असतं, आम्ही अवतीभोवती आजूबाजूच्या हॉस्पिटलमध्ये केलंही असतं आहे। साहेबांना कळवलं, साहेबांनी त्याची दखल घेऊन इथे तक्रार केली, आम्ही स्वतःही केलेली आहे। आता याच्यावर जे काय होत असेल ते तेवढं केलं तर बरं होईल, कारण का हा गुन्हा आहेच। हेच मी एक्सरे नाही चालू तिथे, ब्लड टेस्टिंग मशीन ब्लड नाही आहे, काहीच नव्हतं। हे 2-4 दिवसापासून ते लोक काय करत होते, त्याला राणीसाथीमधून कोविड सेंटरमधून तिथे ॲडमिट केलं का, की त्याचा ऑक्सिजन लेवल कमी होत चालला आहे म्हणून। हे 3 दिवसात त्या लोकांनी केलं तरी काय, एकदम लास्ट याच्यात आलं तेव्हा त्या लोकांनी ट्रान्सफर केला, तेही आम्हाला न विचारता, आम्हाला त्याची काही कल्पना दिली नाही। त्याला नायर हॉस्पिटलमधून आम्हाला फोन आला की तुम्ही इथे नायर हॉस्पिटल आहे,